आ जाओ शाबाश। अब अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो जैन? बिल्कुल ठीक आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सब खैरियत है। तुम बैठो ना। नहीं आंटी, बस वो सारा को थोड़ी ज्वेलरी शॉपिंग करने ले जाना था तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना कर ले। बहुत अच्छा है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम बैठो। और सुनाओ बेटा, वो मैंने तुम्हें टिप्स दिए थे अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? नहीं अंकल, कहाँ शुरू की अभी। अरे क्यों बेटा, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर वगैरह। मैं तो, अरे संजीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। संजीदा, वो हमारे पास अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स हैं ना, मैंने जैन को देने। हाँ हाँ मौजूद है, लेकिन इस वक्त नहीं, मुझे जरा जैन से जरूरी बात करनी है। जी आंटी। बेटा प्लीज, किसी को ये पता ना चले कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। सारा ये शादी मजबूरी में कर रही है। संजीदा ये क्या बोल रही हो तुम? सच ही तो बोल रही हूँ बेटा, वो साथ से मोहब्बत करती है, तुमसे वो शादी मजबूरी में कर रही है, और मजबूरी में किए गए फैसले कभी भी खुशी का बायस नहीं हो सकते हैं। संजीदा प्लीज खामोश हो जाओ। आप एक मिनट चुप रहे हैं। मुझे सारा ने मुझे बताया था कि वो पहले किसी और को पसंद करती थी। हाँ बेटा, साथ जो नीचे रहता है ना, उससे बहुत मोहब्बत करती है सारा। क्या जरूरत थी हरकत करने की? क्या हरकत की तुमने? बहुत जरूरी है ये। इस तरह नहीं, ज़ैन कहाँ चला गया? वो उसको शायद कोई जरूरी काम याद आ गया था। हाँ कोई जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। कमाल करती हो तुम भी। मैं क्या मतलब, चलो सुनो मेरी बात।